मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द सिक्स्थ डे ऑफ द लास्ट कोर्स फॉर योर बेस्ट लाइफ। आज जो हम सीखने वाले हैं ये फाइव मॉर्निंग रिचुअल्स में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ऑल द सक्सेसफुल पीपल, जिनकी तरह प्रोबेबली आप बनना चाहते हैं, वो ये रिचुअल फॉलो करते हैं। एंड अब आपको इस हैबिट को, इस प्रिंसिपल को अपना एक मॉर्निंग रिचुअल बनाना है कि हर सुबह उठ के आप ये करें। एंड दैट इज डेली गोल सेटिंग। रोज गोल सेटिंग करने की आदत आपको आज से डालनी है। अच्छा, अभी तक आप गोल सेटिंग को क्या समझते थे? हमने इससे पहले भी गोल सेटिंग के ऊपर बात करी है, बट नाउ आई टेल यू इट इज एन एडवांस वर्जन। अब यहां पे आप क्या सीखने वाले हैं, इट इज लिटिल बिट डिफरेंट, बट यस, इन सारे प्रिंसिपल्स को फॉलो करके आप बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो जाएंगे डेली गोल सेटिंग के लिए। एंड यू विल सी योर सक्सेस गेटिंग क्लोजर टू यू। सो व्हाट इट इज, सबसे पहले दो तरह के गोल होते हैं। एक होते हैं ईगो गोल्स एंड दूसरे होते हैं मास्टरी गोल्स। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ईगो गोल्स एंड मास्टरी गोल्स? अच्छा, अभी तक आप क्या गोल्स बनाते थे कि मुझे ये वाली कार चाहिए, मुझे ऐसा घर चाहिए, मुझे इस तरीके से अपनी लाइफ में ये चीजें अचीव करनी है, आपको ये वाला फोन लेना है, आपको ये वाली वेकेशन पे जाना है, आपको इतनी इनकम चाहिए। ये सारे गोल्स ईगो गोल्स होते हैं। ये ज्यादातर हम क्यों बनाते हैं, क्योंकि हम, एज आई टोल्ड यू, हमने पहले भी वीडियो में बात करी कि वी आर अ सोशल एनिमल। अब हम, क्योंकि ये सोशल एनिमल है, हम लोगों के आसपास हैं, लोग हमारे चारों तरफ हैं, और हम लोगों को खुश करने के लिए बहुत सारे गोल्स बनाते हैं। अगर मेरे पास ये वाली कार होगी तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, अगर मेरे पास ये वाला घर होगा तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरी इतनी इनकम होगी तो लोग क्या सोचेंगे। हमारे जो गोल्स होते हैं वो बेसिकली लोगों के हिसाब से होते हैं कि हमें लोग अप्रिशिएट करेंगे अगर हमारे पास ये लाइफ में होगा। एंड हम वो गोल्स बनाते हैं, अचीव करने की कोशिश करते हैं और कर भी लेते हैं। अभी तक हमने कई गोल्स बनाए भी होंगे और अचीव भी करे होंगे, बट नाउ देयर इज अ लिटिल चेंज, बिकॉज दिस इज अ पर्सनल मास्टरी सीरीज। आई वॉन्ट कि अब आपके जो गोल्स होने चाहिए दे शुड बी मास्टरी गोल्स। नाउ व्हाट आर द मास्टरी गोल्स? देखो, अगर आपने एक बार आपने गोल बनाया कि मुझे ऑडी लेनी है और आपने ऑडी ले भी ली, इसके बाद क्या गारंटी है कि वो ऑडी आपके पास रहेगी? इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड आई टेल यू, मैंने ये हमने डिस्कस किया हुआ है कि आपको उतनी सक्सेस मिलती है जितनी आप डिजर्व करते हैं, और आपकी जितनी वैल्यू होगी उतनी चीजें तो आपके पास लाइफ में आ ही जाएंगी। मतलब अल्टीमेटली आपको अपनी वैल्यू क्रिएट करनी है। ईगो गोल्स ऑब्जेक्ट ड्रिवन होते हैं, दे आर फोकस्ड ऑन ऑब्जेक्ट्स कि ये मेरे पास आएगा तो मुझे खुशी मिलेगी। पर जो मास्टरी गोल्स होते हैं ये सेल्फ इंप्रूवमेंट के ऊपर होते हैं। लेट्स से अगर आप किसी भी फील्ड में हैं और उस फील्ड में आप अपने हिसाब से बेस्ट वर्जन बन जाते हैं अपने, तो आपको क्या क्या मिलेगा और क्या क्या मिलना चाहिए, यू शुड फोकस ऑन दैट। नाउ फॉर एग्जाम्पल, मेरी एरिया ऑफ एक्सपर्टीज इज स्पीकिंग। नाउ आई एम अ मोटिवेशनल स्पीकर, तो मुझे इस चीज पर फोकस करना चाहिए कि कैसे मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ, कैसे मैं अपनी नॉलेज को और ज्यादा बढ़ा सकता हूँ, कैसे मैं और अच्छा स्पीकिंग में बन सकता हूँ, या मुझे इस चीज पर फोकस करना चाहिए कि कैसे मैं वाली कार ले सकता हूँ, कैसे मेरी इनकम 10 लाख से 20 लाख, 20 लाख से 30 लाख या 1 करोड़ रुपए हो सकती है। दोनों चीजों पर फोकस करना ठीक है, बट यस, यू टेल मी व्हाट इज बेटर। बेटर इज ऑलवेज मास्टरी गोल्स। अगर मैं अपनी फील्ड में बेस्ट बन जाऊंगा तो मेरे पास वो सारी चीजें ऑलरेडी आ जाएंगी जो ईगो ड्रिवन होंगी। बट ईगो ड्रिवन नहीं रख के अगर मैं मास्टरी पे फोकस करूंगा तो मैं जो बन जाऊंगा वो चीज ज्यादा लास्टिंग होगी। अगर मेरी वैल्यू ज्यादा है तो जो चीजें मुझे मेरे पास होनी चाहिए वो ऑटोमेटिकली आएंगी। बट अगर मैं ईगो ड्रिवन होके एक बार वो चीज अचीव कर भी लूंगा और मेरी खुद की वैल्यू उतनी नहीं होगी तो वो चीजें ज्यादा लास्ट नहीं करेंगी। एंड सेम गोज फॉर यू, अगर आपने एक बार वो चीज अचीव भी कर ली जो ईगो ड्रिवन है, बट अगर आपकी वो वैल्यू नहीं बनी जो उस चीज को सस्टेन करेगा या उससे भी ऊपर बढ़ेगा, तो वो चीजें ज्यादा टाइम तक सरवाइव नहीं करेंगी। एक बार एक इंसान को अगर कौन बनेगा करोड़पति में 1 करोड़ रुपए या 5 करोड़ रुपए मिल भी जाए, उसकी जो ईगो ड्रिवन गोल है एक बार को वो पूरा भी हो जाए, बट अगर वो इंसान उतनी वैल्यू नहीं रखता तो वो पैसा उसके पास से चला जाएगा। एंड अगर एक इंसान के पास उतनी वैल्यू है कि वो 1 करोड़, 5 करोड़ या उससे भी ज्यादा डिजर्व करता है, then he will get it, he will sustain it, and वो चीज बढ़ेगी। Now your goal should be mastery driven.
जिस भी फील्ड में आप हो या जाना चाहते हो, उस फील्ड में हमें बेस्ट बनना है, उस फील्ड में नंबर वन बनना है। उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा? दैट इज योर मास्टरी गोल। नाउ एवरी मॉर्निंग इफ यू फोकस ऑन दैट, बिकमिंग योर बेटर सेल्फ इफ इट इज योर गोल, देन यू टेल मी कि क्या होगा लाइफ में। आप कमेंट करके बताओ कि अगर जिस फील्ड में आप बेहतर बनना चाहते हैं, प्रोबेबली बेस्ट बनना चाहते हैं, वो कौन सी फील्ड है। यू कमेंट दैट एंड वी विल सी कि कितने सारे लोग हैं जिन्हें अलग अलग फील्ड में बेस्ट बनना है। एंड इफ इट इज योर मास्टरी गोल, यू विल सी कि आप जिस तरीके की लाइफ चाहते हैं ना दिल से, वैसी आपको मिलना शुरू हो जाएगी। इट शुड नॉट बी ईगो ड्रिवन। देन आपके जो गोल्स होते हैं, दे गिव यू मोटिवेशन। आपके गोल्स आपको मोटिवेशन देते हैं। जो ईगो ड्रिवन गोल्स होते हैं ना, उनका मोटिवेशन ज्यादा टाइम तक नहीं रहता, वो वक्त के साथ नीचे हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब हम शुरू करते हैं, अभी एक रिसर्च हुई एंड उस रिसर्च में पता लगा ज्यादातर लोग न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाते हैं, दे मेक अ गोल एंड सेकेंड स्टेप क्या होता है, दे सी कि उनका गोल कितना डिफिकल्ट है अचीव करना, एंड थर्ड स्टेप क्या होता है, वो गोल्स को छोड़ देते हैं। गोल बनाते हैं, उसके बाद देखते हैं कि गोल्स को अचीव करना बहुत मुश्किल है, इसलिए गोल्स को छोड़ देते हैं। आप में से भी ज्यादातर लोग ऐसा करेंगे। और अगर आपका गोल ईगो ड्रिवन है तो ऐसा ही होगा। आपने सोचा मुझे एस क्लास मर्सिडीज लेनी है, वैसे तो ये गलत है गोल, क्योंकि आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना चाहिए, बट ये भी कोई दिक्कत नहीं है, आपने एक बड़ा गोल लिया, यू वॉन्ट टू हैव एस क्लास मर्सिडीज। अब क्योंकि ये ईगो ड्रिवन गोल है, जैसे जैसे आप उस प्रोसेस में आगे बढ़ेंगे, आप सोचेंगे यार एस क्लास और ई क्लास तो एक जैसी दिखती है, तो ई क्लास देखते हैं। देन यू विल से, जैसे हम जस्टिफिकेशन देते हैं अपने बिलीफ को, हमने पहले भी बात करी, देन यू विल से ई क्लास तो बहुत बढ़िया, कहीं लेके जाएंगे, पार्किंग की प्रॉब्लम होगी, ये होगा वो होगा, माइलेज ज्यादा नहीं देती, तो सी क्लास ले लेते हैं। एंड जैसे जैसे आपके गोल्स भी छोटे होंगे, वो मोटिवेशन भी छोटा हो जाएगा। एंड बिकॉज इट वॉज ईगो ड्रिवन, अगर आप स्ट्रिक्ट भी रहते हो, नहीं मुझे एस क्लास ही चाहिए, तब भी जब आप उस प्रोसेस में निकलेंगे तो मोटिवेशन उतना नहीं रहेगा, कोई नहीं ना, यू विल से ठीक है इतने टाइम में नहीं तो इतने टाइम में सही। एंड दैट इज नॉट लास्टिंग गोल्स। व्हाट कैन बी द लास्टिंग गोल्स? अगर आप एक सिनेमेटोग्राफर हैं और आप कहते हैं मैं अपनी सिनेमेटोग्राफी से सेटिस्फाइड नहीं हूं, मुझे उसमें और अच्छा बनना है, और अच्छा बनना है, तो अब आप फोकस किस चीज पे करोगे कि कैसे मैं अच्छा बनूंगा, देन शुरू कैसे होगा, ये प्रोसेस शुरू कैसे होती है। इट स्टार्ट्स विद हु। अब जब हम इस हु की बात कर रहे हैं, तो बात ये है, ये शुरू किससे होती है। अभी हमने पहले डिस्कस किया था कि शुरू होती है आपसे, यू आर द क्रिएटर। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस गोल? यू, दैट शुड बी द आंसर। अब जब ये हु हो गया, तो गोल में एक चीज आ जानी चाहिए जो है वाई। मुझे बेस्ट सिनेमेटोग्राफर बनना है, क्यों बनना है ये लिख दो, कैसे बनना है वो अपने आप आंसर मिलना शुरू हो जाएगा। प्रोबेबली जिस स्टेज पर आप हो, आप हर चीज का आंसर नहीं जानते। मैं एग्जांपल देता हूं, आज से 2 साल पहले आपको उतनी चीजें नहीं पता थी जितनी आज पता है, क्योंकि 2 साल पहले आपने कुछ करने का डिसीजन लिया होगा, कुछ किया होगा, और आपने बहुत कुछ सीखा भी होगा, तब नहीं पता था बट आज पता है। सिमिलरली आज से 2 साल के बाद जब आप अपने पर्सनल मास्टरी के अंदर अपने मास्टरी गोल को लेके आगे बढ़ेंगे, आज से बढ़ेंगे 2 साल के बाद जहां पे पहुंच जाएंगे, तब जो पता होगा वो आज नहीं पता, और इन द मीनवाइल जो पता लगता रहेगा वो भी आज नहीं पता। सो कैसे होगा वो बात की बात है, क्यों होगा ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे क्यों अपनी फील्ड में बेस्ट बनना है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ना कि ये क्वेश्चन कि ये कैसे होगा। If you focus on your why, how will take care of itself? How अपने आप होने लगेगा? Focus on why. मुझे दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनना है, the question is why. And if your why is strong, how will take care of itself? आपको best chef बनना है. Why? Your why should be something जिसके अंदर बहुत strong emotions होने चाहिए. And if you have strong emotions inside your goals, you will crush them. Then, इसके बाद का प्रोसेस आता है, वॉट स्पेसिफिकली क्या क्या करना पड़ेगा।
अब आपने अपने गोल्स को लिखा और उसे डिवाइड करना शुरू किया, एक प्रोसेस बनाई, पेपर पे लिखो। अब ज्यादातर लोग क्या होता है, ईगो गोल्स जब बनाते हैं लिखने की जरूरत क्या, पता तो है ये चीज लेनी है, एग्जाम्पल ऑडी A6 लेनी है। नाउ मैं यहां पे कहूंगा इफ इट इज योर मास्टरी गोल, राइट इट डाउन, इट शुड गो इन टू योर सबकॉन्शियस, बिकॉज आपका सबकॉन्शियस ब्रेन 90% कंट्रोल करता है कि आप क्या क्या करने वाले हो, एंड 10% आप कॉन्शियसली कंट्रोल करते हो कि क्या हो रहा है। 90% टाइम्स हमारी जो चॉइसेस होती हैं वो सबकॉन्शियसली होती हैं। सो व्हेन यू राइट इट डाउन, इट गोज इनटू योर सबकॉन्शियस। तो आपने लिखा व्हाट स्पेसिफिकली मुझे क्या करना पड़ेगा आज के हिसाब से, शुरू करो, बहुत कुछ चेंज भी होगा। देन व्हाट वेयर, कहां से शुरू होगा, यहां से शुरू होगा कहीं और से शुरू होगा। अगर आपको बिजनेस करना है, जब मैंने अपना पहला बिजनेस शुरू किया था, माई मेंटर टोल्ड मी, अपने आप से ये क्वेश्चन आपने जब पूछा हु एंड वाई, देन ही टोल्ड मी पुष्कर बिजनेस में ये चीजें इंपॉर्टेंट है, व्हाट वेयर एंड व्हेन, क्या शुरू कर रहे हो, कौन सा बिजनेस शुरू कर रहे हो, कहां शुरू कर रहे हो और कब शुरू कर रहे हो, ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने मुझे बताया व्हेन आई वाज स्टार्टिंग माय बिजनेस। सिमिलरली आई एम टेलिंग यू, व्हाटएवर यू स्टार्ट टुडे यू शुड फोकस ऑन व्हाट वेयर एंड व्हेन, कब। वेल ऑब्वियसली द राइट टाइम इज नाउ, बट इफ योर बिजनेस इज सीजन ऑरियंटेड यू जस्ट चेक आउट और एल्स यू कैन लूज मनी। सो ये सारी चीजें आपको अपने मास्टरी गोल में ध्यान रखनी है। नाउ मेक योर मास्टरी गोल्स। इफ यू आर अ डांसर, आई वॉन्ट टू बी द बेस्ट डांसर। यू नो माइकल जैक्सन अपने एक एक मूव की कितने घंटे प्रैक्टिस करते थे, मिरर के सामने खड़े होके ही वॉज प्रैक्टिसिंग। सो कैसे वो डिजर्व नहीं करते सक्सेस जो उनके पास उन्हें मिली उन्हें जिंदगी में। सचिन तेंदुलकर नेट में कितने घंटे प्रैक्टिस करते थे, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस करी, दैट वॉज हिज मास्टरी गोल, इट वॉज नॉट हिज ईगो गोल कि मुझे लाइफ में फरारी चाहिए। उन्होंने अपने आप को काबिल बनाया, फरारी उनके पास ऑटोमेटिकली आई। आर यू मेकिंग योर सेल्फ दैट पर्सन हु इज मास्टर ऑफ हिज फील्ड? इफ नॉट, स्टार्ट योर जर्नी टुडे, दिस इज द टाइम, परफेक्ट, यू विल राइट इट डाउन, आई नो इट। नेक्स्ट, नाउ एवरीबडी हैज गॉट सम लिमिट्स। आई टेल यू ऑनेस्टली, मुझे इस चीज में बिल्कुल भी शर्म नहीं है कि मैं आपको अपनी लिमिट्स बताऊं। व्हेन आई स्टार्टेड टू वर्कआउट, मैंने जब एक्सरसाइज करना शुरू किया, तो मेरी लिमिट थी पुशअप्स की, कि मैं एक बार में ज्यादा से ज्यादा 20 या 25 पुशअप्स कर सकता था, 20 पुशअप्स, 25 पुशअप्स, दैट इज ऑल। देन व्हाट आई डिड, मैंने एक दिन 20 या और 25 के बीच में पुशअप्स करे, एंड दैट वॉज ऑल, दैट वॉज बेस्ट आई कुड डू। उसके बाद मुझे लगा कि मैं और ज्यादा नहीं कर सकता। शायद आप भी 20 या 25 से ज्यादा पुशअप ना कर पाओ, दैट इज बेस्ट यू कैन डू, और प्रोबेबली मोर अकॉर्डिंग टू योर पोटेंशियल, कोई कम करेगा कोई ज्यादा करेगा, बट येस दैट वॉज बेस्ट आई कुड डू। बट मैंने अपने आपसे एक सवाल पूछा, इज द बेस्ट आई कुड डू इज ऑल आई कैन डू, जो मैं बेस्ट कर सकता हूं, क्या मैं ये उतना ही कर सकता हूं या मैं इससे ज्यादा भी कर सकता हूं? द आंसर वॉज, अगर मैं थोड़ी देर रेस्ट और कर लूं तो मैं शायद 10-15 पुशअप्स और भी कर सकता हूं। एंड मैंने क्या किया, मैंने एग्जैक्टली दो मिनट का ब्रेक लिया, और 2 मिनट के ब्रेक के बाद मैंने दोबारा से पुशअप्स करे, एंड शॉकिंगली मैंने 20 पुशअप्स और कर दिए। परफेक्ट। देन व्हाट आई डिड, मैंने 2 मिनट का ब्रेक और लिया और मैंने दोबारा से 20 पुशअप्स और कर दिए। उसके बाद एक बार और मैंने 2 मिनट का ब्रेक लिया और फिर मैंने 20 पुशअप्स और कर दिए। You know, 20 was best I could do, but मुझे पता लगा the best I could do is not all I can do. मतलब जब हम एक इंसान को बोलते हैं अपने एग्जाम में you do your best, no, best is not what you should do all you can do. अगर आप फोकस करो, आप बोलते हो मैंने तो अपना बेस्ट दिया, नहीं, give you all. It is not about giving your best, it is about giving you all. Success demands all. I had limit. Meri limit thi ki main 20 push-ups kar sakta hun. But maine apni limit pe focus kiya and humne bataya hua hai aapko, whatever you focus on expands.
मैंने अपनी लिमिट पे फोकस किया, लिमिट बढ़ गई, 20 की जगह 80 हो गई, इट्स अ मिरेकल, जादू हो गया भाई। एक इंसान अगर 20 पुशअप्स करता था और उसने 80 कर दिए तो भाई जादू ही तो होता ही है। सिमिलरली इट गोज विद योर इनकम, इट गोज विद योर बिजनेस, इट गोज विद योर नॉलेज, इट गोज विद एवरीथिंग दैट यू डू। द बेस्ट यू कैन डू इज नॉट ऑल यू कैन डू। अगेन अ न्यू बिलीफ सिस्टम आई हैव गिवन यू, गिव जस्टिफिकेशंस टू इट, इट विल बिकम योर बिलीफ सिस्टम फॉर श्योर। अब मेरा बिलीफ सिस्टम उस दिन बन गया जिस दिन मैंने ऐसा किया। आपका बिलीफ सिस्टम क्या है? डू यू थिंक द बेस्ट यू कैन डू इज ऑल यू कैन डू? नो, यू कैन डू मोर, रेस्ट अ बिट, डू मोर, रेस्ट अ बिट, डू मोर, डू इट अगेन। सो एक्सपैंड योर लिमिट्स बाय फोकसिंग ऑन देम। आपकी लिमिट, मैं सच बताऊं तो झूठ है, क्योंकि आपको अपना ट्रू पोटेंशियल पता ही नहीं है। आज क्या मुझे 100 पुशअप्स करने में दिक्कत है? नहीं, आई नो 25 25 25 25 100, डन। सिमिलरली हम वैसे प्रोडक्टिविटी टेक्निक्स में बहुत कुछ सीखने वाले हैं, सो मैं सब कुछ नहीं बताऊंगा अभी, बट यस, फोकस ऑन योर मास्टरी गोल्स एंड इट इज नॉट अबाउट गिविंग योर बेस्ट, इट इज अबाउट गिविंग योर ऑल। अभी हम में से ज्यादातर लोग जब गोल्स की बात करते हैं, दे मेक बिग गोल्स। अब वो क्या सही है क्या गलत है, मैंने बोला वी आर इन टू अ थॉट एक्सपेरिमेंट। हम एक थॉट एक्सपेरिमेंट में, जो आप सीख रहे हो, जो हम बातें कर रहे हैं, ये थॉट एक्सपेरिमेंट चल रहा है आपके दिमाग में। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप बिग गोल्स बनाते हो तो वहां पे बिग मोटिवेशन भी आती है। बिग गोल्स मींस बिग मोटिवेशन। सो नाउ योर स्टेप्स, नाउ स्टेप्स से पहले हम आ जाते हैं बिग गोल्स। हम में से ज्यादातर लोग जब बड़े सपने बनाते हैं, क्या सही है क्या गलत है ये आप बताओ। वी आर इन टू अ थॉट एक्सपेरिमेंट। हमने जैसे पहले भी बताया कि अभी जो ये चल रहा है ना, जो आपके दिमाग में चल रहा है, ये एक थॉट एक्सपेरिमेंट चल रहा है। अब बात ये है कि अगर आप बड़े सपने लाते हो, बड़े ड्रीम्स होते हैं, तो मेरे हिसाब से जब बड़े सपने होते हैं तो बड़ा मोटिवेशन होता है, और जब बड़ा मोटिवेशन होता है बड़े एक्शंस होते हैं, और जब बड़े एक्शंस होंगे तो बड़े रिजल्ट्स होंगे। सो टू अचीव बिग रिजल्ट्स यू नीड टू हैव बिग ड्रीम्स। बिग ड्रीम्स इज परफेक्ट, द थिंग इज dream should be big enough but steps actions should be small small every day. let's say mujhe habit banani hai 100 pushups a day, so probably pehle din agar main 100 kar bhi dunga, ho sakta hai, achhi baat hai, but agar meri body ne zyada pain kiya to kal ko ho sakta hai main kam karu ya na karu. to main logon ko prefer karta hu ki agar aap 20 karte the to ek 20 के बाद एक और 20 कर लीजिए, यू हैव डन 40 एंड हैव अ गोल कि मुझे अचीव 100 करना है बट कल मैं 60 करूंगा, देन यू डू 60, देन यू डू 80 एंड देन यू अचीव 100। एंड इवन इफ यू हैव अ बिगर गोल, स्मॉल स्टेप्स, योर स्टेप्स शुड बी स्मॉल, द गोल शुड बी बिग। जैसे हमने बोला कि सातवें आसमान की सोच रखनी है, बट स्टेप बाय स्टेप, बिकॉज यू नो when we are into a continuous process, continuity is the mother of mastery. mastery आएगी, जरूर आएगी, but continuity से हमें continuity रखनी है. whatever we are doing, we need to have continuity in our actions. so actions में continuity तब आएगी जब आप slowly, gradually grow करोगे, limits को expand करते रहोगे every single day, and that is what you are doing. every morning when you are listening to this audio, आप इस video को देखते हैं, आप इस audio को सुनते हैं, आपकी लिमिट है, यू नो, इतना मोटिवेशन, इतनी सारी नॉलेज एक साथ आपने शायद बैठ के कभी नहीं ली होगी, बट इट इज, इट वॉज योर लिमिट, बट नाउ यू आर एक्सपैंडिंग योर लिमिट्स, एंड बिकॉज यू आर एक्सपैंडिंग योर लिमिट्स, यू आर फोकसिंग ऑन योर मास्टरी अगेन। सो देयर शुड बी बिग गोल्स बट स्टेप्स शुड बी स्मॉल, एंड देन यू राइट इट डाउन ऑन योर पेपर, व्हाटएवर यू वांट टू अचीव, हैव द बैकवर्ड विजन। जैसे हमने पहले बात करी, हमने जो फोकस्ड ड्रीमिंग में सीखा, जिस वीडियो में सीखा कि आप बैकवर्ड विजन कैसे लाते हैं, बैकवर्ड विजन लाओ, ये अचीव करना, ऐसे ऐसे मैंने किया होगा, स्टेप्स स्टेप्स स्मॉल स्टेप्स एवरी सिंगल डे। नाउ यू नीड टू प्रायोरिटाइज योर स्टेप्स आल्सो। अगर आपको लगता है कि मेरे पास कई सारे गोल्स हैं और कई सारे स्टेप्स हैं, तो आपको उन्हें प्रायोरिटाइज करना है, क्या सही है, कैसे कैसे करना है। गोल्स की बात करें, आपको मेरे पास 5 गोल्स हैं, सॉरी गोल एक बार में 1 या 2, एंड फोकस ऑन 1, जितना कम से कम फोकस कर सकते हो, फोकस ऑन फ्यू,
ओनली देन यू कैन अचीव इट। एक बार में एक गोल बहुत बढ़िया रहता है, ज्यादा से ज्यादा दो। अभी फिलहाल एक चीज पे तो फोकस करो, आदर डालो, आप प्रायोरिटाइज करो, फोकस ऑन फ्यू और वन ना हो। ज्यादातर लोग बोलते हैं, बहुत बड़े बड़े मैंने मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुना है, इवन पहले मुझे भी ऐसा ही लगता था। मैं आपको मैं जो मैं सोचता था और जो अब मैं सोचता हूं, अगर उसमें डिफरेंस आया है तो वो क्यों आया, कैसे आया, वो प्रोसेस कौन सी अच्छी है, वैसे तो आप ही को जज करना है, बट जो मैं अपने थॉट एक्सपेरिमेंट में बता रहा हूं, मोस्ट पीपल से लव योर वर्क, लव योर वर्क, जो करो उसमें खुशी मिलनी चाहिए। मैंने लोगों की ये एडवाइस मानी भी, एंड आई स्टार्टेड टू लव व्हाट आई वाज डूइंग। सो मुझे गाने सुनना पसंद था, आई वाज डूइंग इट। अच्छा, मेरा जो वर्क था मैं उसे जब प्यार करने लग गया, तो हर चीज को ना मैं इस तरीके से लेके चलने लग गया कि ठीक है यार, मजा आ रहा है उतना ही करना है, जैसे जहां तक मजा आ रहा है उतना ही करना है, अब मजा नहीं आ रहा तो नहीं करना, अच्छा नहीं लग रहा तो नहीं करना। तो मैंने किताब पढ़नी शुरू करी, मुझे अच्छा लगता था, बट हुआ क्या कि जब मैंने किताब पढ़नी शुरू करी, एक टाइम के बाद मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मुझे लगा नहीं अभी ब्रेक चाहिए, अभी गाने सुनते हैं क्योंकि वो मुझे अच्छा लग रहा है। एंड देन आई वॉज डूइंग समथिंग जिसमें मुझे अच्छा लग रहा था, बट हुआ क्या, जो मुझे रिजल्ट्स मिलने लगे ना, वो मुझे अच्छे नहीं लगे। अब जब मैं जो पढ़ रहा था, जो मुझे अच्छा लगता था, बट जो रिजल्ट्स मिले वो अच्छे नहीं लगे। तो मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपको अभी तक लग रहा था यू हैव टू लव व्हाट यू आर डूइंग, नो, दैट इज अ मिथ। यू शुड लव द रिजल्ट, नॉट द वर्क। वर्क शुड बी डन एनीवे। अगर आपको लगता है कि आपको इस गोल को अचीव करने के लिए ये सब करना पड़ेगा, नॉट नेसेसरी कि आपको वो पसंद आए, नॉट नेसेसरी, मुझे पसंद नहीं आ रहा बट मुझे करना है, बिकॉज दैट शुड बी डन। आप अपने स्केड्यूल में लिख लो क्योंकि ये करना है, अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, आई एम नॉट लाइकिंग माई वर्क, ओके, बट आई एम लाइकिंग माई रिजल्ट। मोहम्मद अली टोल्ड, मुझे प्रैक्टिस करते हुए अच्छा नहीं लगता था बट मुझे वर्ल्ड चैंपियन बनना अच्छा लगता था। एवरी मॉर्निंग जब मुझे उठ के ट्रेनिंग में जाना था, मुझे अच्छा नहीं लगता था, बट जब मुझे वो बेल्ट मिली ना वर्ल्ड चैंपियन की, मुझे अच्छा लगा। आपको क्या अच्छा लगता है, रिजल्ट या वर्क? रिजल्ट। मेरे हिसाब से, मैंने बोला इट इज अ थॉट एक्सपेरिमेंट, यू चूज। मेरे हिसाब से मुझे रिजल्ट पसंद है, वर्क तो करना है कैसे भी, अच्छा लगे ना लगे मुझे करना है। सो इफ यू आर इनटू सेल्स और लोगों से बात करना आपको अच्छा नहीं लगता, करना पड़ेगा क्योंकि रिजल्ट नहीं मिलेगा जो आपको अच्छा लगता है। और अगर आप वो करोगे जो आपको अच्छा लगता है तो आपको वो मिलेगा जो आपको अच्छा नहीं लगता, और अगर आप वो करोगे जो आपको अच्छा नहीं लगता तो आपको वो मिलेगा जो आपको अच्छा लगता है। सुबह जल्दी उठना अच्छा नहीं लगता ना, बट अगर आप उठोगे तो आपको वो मिलेगा जो आपको अच्छा लगता है। सो ये है ना, अभी आप लिख लो ये कोट को, लिख लो पेपर पे, दिमाग में सबकॉन्शियसली लिख लो, अगर मैं वो करूंगा या मैं वो करूंगी जो मुझे अच्छा नहीं लगता तो मुझे वो मिलेगा जो मुझे अच्छा लगता है। फोकस ऑन रिजल्ट, डू नॉट लव योर वर्क, लव द रिजल्ट। अगेन अ न्यू बिलीफ सिस्टम आई हैव गिवन यू। नाउ जब रिजल्ट्स आते हैं तो रिजल्ट्स कभी पॉजिटिव होते हैं, कभी नहीं भी होते, हम अचीव नहीं करते। अब ज्यादातर लोग रिजल्ट्स को फेलियर समझ लेते हैं कि ये मैं फेल हो गया। थॉमस एडिसन ने जब बल्ब की इन्वेंशन करी थी, लोगों ने कहा और लिखते भी हैं, थॉमस एडिसन इतने हजारों बार फेल हुए, लिखते हैं लोग, कोट्स लिख रहे हुए हैं उन्होंने कि उन्होंने इतनी बार फेल हुए। थॉमस एडिसन से अगर आप पूछते ना तो बोलते मैं फेल थोड़ी हुआ, मैं तो एक्सपेरिमेंट कर रहा था। एक्सपेरिमेंट करते हुए क्या होता है, या तो चीज होती है या नहीं होती। जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो तो क्या होता है, या तो होता है या नहीं होता, कोई नहीं। जब नहीं होता तो हम दोबारा एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर हम दोबारा एक्सपेरिमेंट करते हैं। यू हैव टू गिव द चांस टू एक्सपेरिमेंट, आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। ये भी एक बिलीफ सिस्टम चेंज कर दो, अपना वर्ड चेंज कर दो, इट वॉज नॉट अ फेलियर, इट वॉज एक्सपेरिमेंट। अगर मेरा यह बिजनेस ठप हो गया, मैंने बहुत मेहनत करी थी नहीं चला, तो इट वॉज नॉट अ फेलियर, इट वॉज अ एक्सपेरिमेंट, क्योंकि एक्सपेरिमेंट से हम सीखते हैं। एक्सपेरिमेंट किया तो सीखा ना, जब गोल बनाया, गोल सेटिंग करी, हमने कुछ किया और हम कामयाब नहीं हुए, इट वॉज नॉट अ फेलियर, इट वॉज एक्सपेरिमेंट। एंड एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं,
एक्सपेरिमेंट होते हैं रिजल्ट पे जाने की प्रोसेस, रिजल्ट को अचीव करने की प्रोसेस को ही तो हम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। एक्सपेरिमेंट किया था जी मैंने, एक साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करता है ना लैब में, बार बार करता है जब तक वो जो चीज अचीव करना चाहता है वो नहीं करता। आप भी करो ना, अभी तो थॉट एक्सपेरिमेंट ही कर लो, सोच आ जाएगी तो चीजें हो जाएंगी। नाउ व्हाट यू नीड टू डू एवरी डे इज अ डेली गोल सेटिंग। व्हाट आर द स्टेप्स नाउ? व्हाट इज योर मास्टरी गोल्स? फॉरगेट अबाउट ईगो गोल्स नाउ, मास्टरी गोल्स। देन मास्टरी गोल्स के अंदर आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि उसका वाई बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, सो दैट इट गिव्स यू मोटिवेशन एवरी सिंगल डे। देन योर लिमिट्स विल एक्सपैंड इफ यू विल फोकस ऑन देम। सो लिमिट्स को एक्सपैंड करना है। देन द ऑल यू कैन डू इज नॉट द बेस्ट यू कैन डू, ऑल पे फोकस करो, नॉट द बेस्ट। देन हैव बिग गोल्स बट हैव स्मॉल स्टेप्स, एक्शंस लेने हैं धीरे धीरे छोटे छोटे। देन प्रायोरिटाइज देम, फोकस करो कम पे, जितना कम हो सके, प्रोबेबली वन। एंड देन डू नॉट लव योर वर्क, लव योर रिजल्ट्स। एंड फाइनली हैव अ बिलीफ सिस्टम, इवन इफ आई डू नॉट अचीव इट वॉज एन एक्सपेरिमेंट, दैट शुड बी द बिलीफ सिस्टम। नाउ इट वॉज द सिक्स्थ डे, आई नो यू आर लविंग द प्रोसेस, बट काफी सारे लोग मिस करते हैं सुबह 6 बजे इस वीडियो को, वो बाद में देखते हैं। यू नो दीज मैस्ट्री लेसन्स आर ऑल्सो अ रिचुअल, लर्निंग समथिंग न्यू एवरी डे इज अ रिचुअल। फ्रॉम टुमारो, फ्रॉम द डे 7 हम सीखने वाले हैं अगेन अ न्यू लेसन, दैट इज आप कैसे हर सुबह नई चीजें सीखेंगे जो चीजें आपको कामयाब बनाएंगी। कैसे वो होगा, कैसे वो प्रोसेस आएगा, उससे पहले मैं आपका एक हैबिट देखना चाहता हूं, एक मोमेंटम देखना चाहता हूं कि आप में से ज्यादातर लोग अभी के अभी अलार्म लगा लें कल सुबह के लिए, एंड अलार्म रिंग होते ही उठ जाए, यानी कि स्नूज पे डाल दें। क्योंकि अगर आप अपने आप से जेंटल हो गए ना, तो अगेन वो नहीं मिलेगा जो अचीव करना है। बात यही है कि अगर वो करोगे जो अच्छा नहीं लगता, सुबह जल्दी उठना अच्छा नहीं लगता, तो वो मिलेगा जो अच्छा लगता है। अभी अलार्म लगा लो कल सुबह उठना है, बिल्कुल टाइम पे उठ जाना, हेडफोन्स लगाओ, नोटपैड पेन रेडी रखो, एंड लिसन टू दिस, इट इज गिविंग यू अ न्यू मेंटल फ्रेमवर्क। फोकस ऑन दिस एंड आई विल सी यू टुमारो मॉर्निंग 6 AM शार्प। नॉट मिस द वीडियो, टिल द टाइम apply everything and go self-made.